हेलो दोस्तों, आ गए हम एक और वीडियो वापस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नासा के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं आज की बिना किसी देरी के। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो वर्ल्ड फैक्ट। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरियोटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और अमेरिका ही इसे पूरी तरह कंट्रोल करता है। पॉइंट नंबर टू, पहले नाका मतलब नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ एरियोनॉटिक्स हुआ करती थी, जो अंतरिक्ष के मामलों में सलाह या फैसले देती थी। बाद में जाके ये नाका नासा बन गई है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस को ये फैक्ट पता था। ऐसा कहा जाता है कि नासा की इंटरनेट की स्पीड 96 GB/s है, बट ये एक्चुअली सच नहीं है। इंटरनेट स्पीड नहीं है उसकी, वो सिर्फ इंटरनेट ट्रांसफ़र की है। जैसे हम फाइल एक से दूसरी जगह करते हैं, उसमें 91 GB/s है। अगर आपको पूरे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पूरे इसके बारे में जानना है, तो टेक्निकल गुरु जी की एक वीडियो थी इसके ऊपर, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। पॉइंट नंबर फोर, नासा ने स्टार ट्रेक स्टारवेब डाइव पर काम किया, जिससे अंतरिक्ष सिर्फ 2 सप्ताह में अल्फा सेंचुरी पर पहुँच जाएगा, जो सूर्य का दूसरा सबसे निकट तारा है। पॉइंट नंबर फाइव, नासा ने एक वाटर वर्ल्ड नामक ग्रह की खोज की है, जो पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है, परंतु इस पर खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कि हॉट आइस और सुपर फ्लूड वाटर। पॉइंट नंबर सिक्स, आपके रसोई घर में टोस्टर में लगा हुआ कंप्यूटर नासा द्वारा प्रयोग किया गया है। उस कंप्यूटर में काफ़ी शक्तिशाली है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये केवल 0.043 MHz पर चलने वाला 64 KB मेमोरी का कंप्यूटर है। पॉइंट नंबर सेवन, अगर आप नासा के अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं, तो पहले आपको पृथ्वी की सतह से ऊपर कम से कम 50 मील की दूरी तय करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर एट, नासा की व्हीकल असेंबली बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि उमस भरे दिनों में इसके ऊपर बारिश वाले बादलों को बनने से रोकने के लिए 10,000 टन हवा साफ करने वाले उपकरणों की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर नाइन, नासा की व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का अपना खुद का मौसम है। यदि हवा साफ करने वाला तरीके का इस्तेमाल ना करें, तो फ्लोरिडा का नामी वाला मौसम इसकी छत के करीब ही बारिश वाला मौसम बना देगा। पॉइंट नंबर टेन, नासा के पास एक ऐसे यंत्र है जिससे वह बहुत सारी बारिश करा सकता है। तो समझ सकते हो आप कि नासा कितना बड़ा है और क्या क्या कर सकता है। पॉइंट नंबर 11, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब भी अमेरिका के लोगों के ऊपर से गुजरता है, तो नासा उन लोगों को मैसेज करता है। तो है ना यार एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर 12 और सबसे क्रूशियल पॉइंट, नासा उन लोगों को $15,000 लगभग 10 लाख रुपए देता है, जो 90 दिन तक नासा की प्रयोगशाला में एक बेड पर 24 घंटे तक लेट सके, ताकि शरीर पर शून्य गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव को मापा जा सके। पॉइंट नंबर 13, अमेरिका की हर $1 की कमाई में से $0.005 की कमाई नासा में जाता है। नासा पर हर साल $19 अरब खर्च होता है। पॉइंट नंबर 14, नासा का लक्ष्यों में से एक बड़ा लक्ष्य ये भी है कि 2030 तक मनुष्य को मंगल ग्रह पर पहुंचाना है। तो देखते हैं कि वो सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है 2030 तक। पॉइंट नंबर 15, 2006 में नासा ने स्वीकार किया था कि उनके पास अब चंद्रमा लैंडिंग की वीडियो टेप नहीं है, ताकि उन्होंने उन पर आगे रिकॉर्ड किया था। कई तरह की अटकलें लगाई जाती है कि चंद्रमा की लैंडिंग निकली थी। पॉइंट नंबर 16, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार जो सूर्य ग्रहण कल पड़ेगा, ठीक वैसा ही सूर्य ग्रहण 18 वर्ष 11 दिन बाद भी पड़ेगा। पॉइंट नंबर 17 और सबसे फनी, सूर्य ग्रहण के वक्त पशु पक्षी कंफ्यूज हो जाते हैं और सोने की तैयारी करने लगते हैं। तो कभी आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण के टाइम ना थोड़ा मतलब अलग सा ही होता है, धूप भी ज़्यादा कम होती है, एकदम धूप मतलब नॉर्मल ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। तो मे बी उस वजह से हो सकता है कि पशु पक्षी कन्फ्यूज हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 18, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 7.5 मिनट तक रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करके बताना कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।